गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ऑडियो क्लासेस। आई होप एवरीवन इज फाइन। नाउ टुडे आई विल बी टेकिंग क्लास 7 साइंस, द चैप्टर नंबर 6, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ एज द नेम इंडिकेट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, we would be studying about these changes around us in this chapter. Okay, so everyone in our day-to-day life, we always see many changes around us. Okay, every day we come across many changes in our surroundings, so you have to recognize them. As I have told you earlier also, that being a science student, we have to be very curious to know that why this is happening, right? That what is the reason behind it? If this is going to happen, what is the reason? Okay? So, now in this chapter, I'll be giving you very simple examples to understand what is physical and chemical change. Okay? First of all, I will explain you with the help of some examples. Like, for example, सबके घरों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो changes जो है आप अपने surroundings में बहुत सारे देखते हो। जैसे मम्मा आपके घर में, आपको कुछ पता है, दही घर में हम बना लेते हैं, है ना, बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे और चेंजेस होते हैं। आपके पास एक रबर है, आप उसको स्ट्रेच करते हो कई बार, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि आप जो है पानी बॉयल करते हो, कई बार आप नींबू पानी बनाते हो, है ना, गर्मियों में बनाते हैं ना हम, आप उसमें डिज़ोल्व करते हो, शुगर डिज़ोल्व करते हो, कई बार सॉल्ट डिज़ोल्व करते हो, है ना, ये सब चीज़ें होती है ना। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सबके घरों में, ये दही भी बनता है, जमता है, नींबू पानी भी बनता है, बहुत सारे ये चेंजेस होते हैं। तो ये मैंने क्यों ली एग्जांपल्स, क्योंकि ये एग्जांपल्स जो है ये हमें समझाएंगी, उसमें हेल्प करेंगी हमें समझने में कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं, और उसमें जो है वो दो टाइप्स के हैं, जो कि हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। व्हाट आर दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट द चेंजेस अराउंड अस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेनली टू टाइप्स एज द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। ओके, so broadly the changes around us are divided into, are classified into two main types, that is physical and a chemical change. Okay, now for this, first of all we will be taking physical changes. Now what are physical changes? Okay, now for this we have to understand, first of all, what are the physical properties of a सब्सटेंस। ओके, अब फिजिकल चेंजेस समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल कौन से चेंजेस होते हैं जो हमें दिखते हैं ना, जैसे जैसे कौन कौन से, जैसे कि शेप, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन कलर, स्टेट, ये क्या है, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, दीज आर फिजिकल जो हमें दिख रहे हैं जैसे, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको लूंगी, सबके घरों में एक, सबके पास बुक्स है, नोटबुक्स है ना, एक पेज लेंगे आप, पेपर को क्या करेंगे, उसको कट करेंगे डिफरेंट, अगर हम एक ही हम बात करते हैं कि अगर हम एक पेज को स्क्वायर्स में, पहले हम चार में डिवाइड करेंगे, चार स्क्वायर में, और एक स्क्वायर को भी चार में, उसको भी आगे चार में, तो हम काफ़ी सारे स्क्वायर्स बना लेंगे एक पेज से, है ना, बना लिया हमने। तो हम देखेंगे क्या है कि ये इस है, तो ये एक पेज ही है ना, लेकिन उसको हमने क्या किया, उसको डिफरेंट, सिर्फ स्क्वायर, डिफरेंट शेप में काट लिया, स्क्वायर्स बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, है ना, सर्कल बना सकते हैं, उनको कट के, बट इट हैज कम फ्रॉम वन पेज,
एक पेज से आया है ना, उसमें क्या हुआ, साइज चेंज हो गया पेज का, शेप चेंज हो गई, हुई ना, शेप भी अलग अलग शेप्स बन गई, एंड जो है जो पेपर है उसको हमने डिफरेंट शेप और साइज पे चेंज कर दिया. ओके सो क्या है, व्हाट हैपेंस इज इन दिस, द मटेरियल व्हिच इज ऑन व्हिच द चेंजिंग इज बीइंग डन, जिसमें चेंज हो रहा है वो है एक पेपर. पेपर की जो क्वालिटी, वो पेपर ही रह रहा है बट उसके हम साइज और शेप में चेंज कर रहे हैं ना, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही हैं. तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी की चेंज होती हैं, उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, राइट. एज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस सच एज शेप, साइज, कलर, राइट. व्हेन दीस प्रॉपर्टीज चेंजेस, इट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. ओके, दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज एंड इट इज जनरली रिवर्सिबल. It is generally, it can be reversed. And in this, not a new substance is formed. Okay? कोई नया सा पेपर से तो पेपर ही रह रहा है, उसके साइज और शेप तो चेंज हो रही है बट पेपर से पेपर ही बना हुआ है ना. पेपर को हमने करके कुछ और तो नहीं बन रहा ना, कोई सब्सटेंस तो नहीं चेंज हो रहा ना, या कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा ना. पेपर जो है उसकी सिर्फ शेप और साइज चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. Okay, so what can we say is that the changes are of two types, that is physical and chemical change. Now, physical changes are the changes in which the physical properties of a substance changes. Okay, the change is in the physical properties of a substance. Now, what are the physical properties? Size, shape, color, right, etc. In this, in the physical change, there is no new substance formed. Whereas when we say that it is reversible or not, these changes may be reversible. Not 100% they are always reversible, but they are maximum these changes are reversible. Okay, so these are called the physical changes. Iski ek aur example main aapko de deti hu. For example, take some ice in a glass, okay, melt some portion of the ice by placing the tumbler in a glass. हमने लिया ice, ली हमने उसको धूप में रखा तो वो पानी melt कर गया. अब इसी पानी को क्या करेंगे, हम freezer में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी, ice, है ना. तो रहा वो पानी, does the water become solid once again जब हम उसको उसमें रखते हैं freezer में? Yes, of course, है ना. तो what does it mean, पानी का पानी ही रहा, आइस बनी, बट उसकी फिजिकल उसमें क्या चेंजेस आए, पानी से वो किस में बना, आइस में, उसकी शेप चेंज हो गई, उस टम्बलर की शेप में, वो जिस भी शेप में हम उसको फ्रीज करेंगे उस शेप का हो गया, और जब हम उसको मेल्ट करेंगे तो वो पानी की शेप में हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा पानी ही. तो हम इसको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज फिजिकल चेंजेस. ओके, सो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एक उसकी सब्सटेंस की चेंज होती है एंड इट जनरली इट इज रिवर्सिबल एंड देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज. ओके, सो दिस वाज अबाउट फिजिकल चेंज. नाउ व्हेन वी कम टू केमिकल चेंज नाउ. ओके, नाउ व्हाट इज केमिकल चेंज, एज द नेम इंडिकेट्स, chemical changes. It means the chemical properties of a substance is changed. When a chemical property of a substance is changed, it is referred to as a chemical change. Okay? And generally in a chemical change, a new substance is formed. Okay? Mostly a new substance is produced. कि ऐसी रिएक्शन होती है कि उसमें ऐसा चेंज आता है कि उससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ही हुआ ना, कुछ चेंज हुआ है, लेकिन उसमें चेंज क्या हुआ है, एक नया सब्सटेंस बन गया, उसमें एक नई चीज बन गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ केमिकल चेंज. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, एवरीबडी मस्ट हैव सीन इट. We can say that rusting of iron,
ना व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? सब ने ये चीज देखी होगी, आपने आसपास अगर आपकी कोई लोहे की चीज है, अपने स्कूल में ही होगी, ठीक है, कोई गेट है, कोई खिड़की है, उसमें जो है लोहे की बनी है, तो आप क्या देखेंगे वहां पे क्या हो जाता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है, ब्राउनिश फिल्म उस पे आने लग जाती है, जो आपके आयरन की चीजें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं ना, जंग लग गई है इन चीजों को, है ना, लग जाती है ना। कोई आपके लोहे के कोई बेंच पड़े होंगे स्कूल में, कोई चीजें पड़ी है आपके स्कूल के ग्राउंड में, आपके स्कूल का गेट है या कैसे, तो वो क्या है, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें होती हैं आपके आसपास जो आयरन की होती है, तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, रस्ट होना शुरू हो जाती है उस पे जंग लगना। तो इट इज अ केमिकल चेंज। ना हाउ इट इज अ केमिकल चेंज, व्हाई वी कैन से इट इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, आयरन व्हेन इट कम्स इन कंटैक्ट विद द मॉइस्चर इन एयर, ठीक है, एयर के जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये रस्ट एक सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, है ना। तो वो एक नया, वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ और जो मॉइस्चर है वहां पे, ठीक है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जब उसके कंटैक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, तो आयरन ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं रस्ट, उसका केमिकल नेम क्या है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्यों, क्योंकि आयरन जो है लोहा, जब व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन इन एयर, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज द एग्जा टेक्स प्लेस, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग टेक्स प्लेस एंड द न्यू सब्सटेंस दैट इज रस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन इज फॉर्म, विच इज नोन एज आयरन ऑक्साइड, ठीक है, उसका उसके फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अलग होते हैं, क्योंकि जैसे हमें पता है आयरन का जो है केमिकल सिंबल जो है वो है Fe, ऑक्सीजन का है O2, वाटर का है H2O, और रस्ट जब ये बनती है, जब आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर के कंटैक्ट में, जब भी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर के कंटैक्ट में आता है तो रस्ट बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3, ठीक है ना। तो ये एक केमिकल चेंज है, ओके, इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज हाई, विच मीन्स देयर इज मोर ह्यूमिडिटी, रस्टिंग इज वेरी फास्ट। जैसे ही मॉइस्चर ज्यादा, अब जैसा मौसम चल रहा है ना, इस वक्त जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा है ना, क्यों ह्यूमिडिटी क्या ज्यादा है कि आप देखते हो इस वक्त बहुत हमें पसीना आता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, क्यों, क्योंकि एयर में बहुत ह्यूमिडिटी है। आप कभी अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे या आजकल फोन पे भी वेदर का आता है, आप उसमें ह्यूमिडिटी चेक करेंगे, ऑलमोस्ट 100% ह्यूमिडिटी होती है एयर में, ऑलरेडी ही वाटर ड्रॉपलेट्स वो कैरी करके चल रही है, तो उसमें एयर में ऑक्सीजन भी होती है और वाटर मॉइस्चर भी है। तो जब ये वाली चीज़ें जो लोहे की बनी है आयरन की, वो जब इसके कंटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है, रस्टिंग होती है ना। तो ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है दी विच शोज अस दी केमिकल चेंज, ठीक है। तो इसको हम क्या है, इसको हम बड़ी इजीली क्या करते हैं, अगर आपने नोट किया हो कि रेगुलरली आपके स्कूल में क्या, घरों में भी जो खिड़कियां वगैरह हैं उन पे पेंट किया जाता है ना, पेंट किया जाता है, आपके गेट्स होंगे स्कूल के, उनको ऐसे लोहे का नहीं रख दे, लोहे का रखेंगे तो उसके बाद ब्राउन सा आने लग जाएगा, लेकिन आप देखते हो पेंट किया गया है। हाँ, कोई पार्ट जो रह गया होता है जो पेंट नहीं किया उस पर भी रस्टिंग आ जाती है, लेकिन आप देखते हो उस पर पेंट किया, हर खिड़की को पेंट किया जाता है ना, स्कूल में भी जब आप देखते हो काम लगता है स्कूल में, वो स्कूल में खिड़कियों को पेंट किया जाता है, डेस्क को पेंट किया जाता है, गेट्स को पेंट किया जाता है, क्यों, ताकि वो रस्टिंग से बच सके। अब वो कैसे बच सकते, क्योंकि इस ये एक प्रोसेस है जिससे, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग, जिससे रस्टिंग नहीं होती। अगर हम पेंट कर दें किससे, एक लेयर ऑफ जिंक लगा दें आयरन की चीजों पे, उससे आयरन की चीजें जो हैं वो रस्टिंग से बच जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ओके, सो द आयरन पाइप्स इन अवर होम्स और इन अवर स्कूल्स, वी हैव आयरन गेट्स और वी कैन हैव डेस्क आयरन, उसकी टांगे जो डेस्क सी होती है वो आयरन की होती है, कोई दरवाजा है, कोई लॉक है जो कि आयरन का है, तो क्या किया जाता है, उनको पेंट किया जाता है ना। तो
उनको हम क्या करते हैं, उनको पेंट कर देते हैं जिंक से. जिंक इज अनदर मेटल जिसको हम उसके ऊपर कवरिंग दे देते हैं, ताकि क्योंकि जिंक जो है वो उस पर रस्टिंग नहीं होती, और वो किसको, वो आयरन को भी बचा देता है रस्टिंग से, एक नई लेयर बन जाती है. सो वट हैव यू यू नो डिफरेंट वट हैव यू ऑब्जर्व एंड डिफरेंशिएट, आई होप यू हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो हमारे ये आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, इसी से हम जज कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जिनमें फिजिकल और केमिकल चेंज की हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी. अब ये लैब्स में ही फॉलो की जा सकती है, ये केमिकल चेंज की ही एग्जाम्पल है, ये उसमें ही फॉलो की जा सकती है क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता घरों में. हम एक स्मॉल थिन स्ट्रिप लेंगे रिबन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, हम उसकी टिप को साफ करेंगे विद अ सैंड पेपर, एंड जब हम उसको बर्न करेंगे, एक कैंडल जली होगी, एक मैग्नीशियम रिबन को हम उसके ऊपर जब जलाएंगे, इट बर्न्स विद अ वाइट लाइट. ओके, व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न, इट लीव्स सम ऐश बिहाइंड इट. जब हम उस जो ऐश होती है ना, जो बच जाती है, वो मैग्नीशियम रिबन को बचाने से जो बच जाता है नीचे, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, है ना. ठीक है, हम उसको मिक्स कर देते हैं. तो हम अब अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना, किया था ना. तो हमने उसमें ये भी किया था कि उसमें एसिड और बेस की जो है उसको टेस्ट करने के लिए उसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है. उसमें हमने एक एग्जांपल की थी लिटमस पेपर की, है ना. तो हमने क्या किया, जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और उसकी ऐश जो थी उसको कलेक्ट किया, तो मैग्नीशियम को जब भी हम जलाएंगे, हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, आग को जलने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है वो होती है ऑक्सीजन, है ना. ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती, अगर उधर ऑक्सीजन नहीं है तो वो आग नहीं जलेगी. ठीक है, तो ऑक्सीजन में जब हमने उसको जलाया, इट मींस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक नया केमिकल चेंज हुआ, है ना, जिसमें क्या हुआ, क्या हुआ कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ऐश जो उसको जला के बनी है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इट मींस रिएक्शन बनेगी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसमें, वाटर में, H2O में. मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, तो वो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. सो अ न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. ओके, सो दिस इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. पहले हमने उसको ऑक्सीजन के साथ किया, ऑक्सीजन के साथ नहीं, हमने उसको जब जलाया तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, इनफैक्ट किया, मतलब उसको रिएक्ट, ओ इज नॉट रिएक्ट इज नॉट द राइट वर्ड, वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट इज बर्न्ड, बिकॉज बर्निंग ऑलवेज टेक्स प्लेस, बर्निंग का दूसरा नाम होता है कंबस्चन, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So magnesium oxide was formed, and when magnesium oxide was mixed in, जो वो ash बची थी, when it was mixed in water, it formed magnesium hydroxide. Now when we have to test, you know, जब हम test करेंगे इसका, ठीक है, कैसे करेंगे, हम उसमें वो add कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ये इंडिकेटर्स जो मैंने आपको समझाए थे, है ना, इंडिकेटर समझाए थे ना, तो हमने इंडिकेटर से हम टेस्ट कर सकते हैं कि जब वो लिटमस पेपर की आइडेंटिटी से, तो जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे इट इज़ अ बेस, हमने ये स्टडी भी किया हुआ है ना. तो इसका मतलब क्या है, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एंड ऑन बर्निंग एक और नया सब्सटेंस बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जब हमने उसको वाटर में मिक्स किया, जब हमने वाटर को में मिक्स किया. तो इसमें दो केमिकल चेंजेस नजर आ रहे हैं, पहला क्या, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जब हमने उसको जलाया, और दूसरा क्या, जब हमने उसको वाटर में ऐड किया तो वो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड विच इज अ बेस, सो इट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म. सो दिस इज द एग्जाम्पल बाय विच वी कैन से दैट what does it shows you, what is the inference that we get from this is that in a chemical change, it is
always we can say a new always a new substance is formed, and it is mostly not reversible, it is irreversible, hai na. Ab main ash ko hum dobara jo hai usko magnesium ribbon rim nahi bana sakte na magnesium ribbon ko ribbon mein, to hum isko kya bolte hain, ye ek examples hain, hai na, theek hai. To ye ek examples hain jinko hum bolte hain physical and chemical change, है ना. अच्छा, एक बहुत इजी सी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, है ना. हमने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट्स जो है वो अपने खाना जो है वो बनाते हैं उससे, है ना, बनाते हैं ना. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इन विच द प्लांट्स यू दे यूज सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट. व्हाट डज इट फॉर्म्स? इट फॉर्म्स द फूड फॉर द प्लांट्स, दैट इज ग्लूकोज, है ना, बनता है ना ये. तो दैट इज इट. अगर हम इसको भी हम रिएक्शन के हिसाब से भी लिख सकते हैं, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, H2O, CO2, H2O इज वाटर, है ना, ये सब चीजें जरूरी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट एंड वाटर ऑल्सो एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल जो प्लांट लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट. तो क्या बनता है? एक फूड जो है ग्लूकोज बनता है, जिसको हम बोलते हैं C6H12O6, which is फूड फॉर द प्लांट्स. तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. ओके, नाउ व्हेन वी हम कह सकते हैं जी फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज, है ना. न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, किस किस से बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट है, तो इन सब से क्या बन रहा है? एक नया सब्सटेंस. तो इट इज अ नेचुरली इट इज अ केमिकल चेंज. सिमिलरली हमारे जो बॉडी में डाइजेशन होती है, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. वाई? क्योंकि इसमें मैंने आप जब हमने ये चैप्टर्स किए हैं डाइजेशन वाले, न्यूट्रिशन वाले, उसमें हमने देखा है कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलर फूड में डिवाइड होता है, उस पर एंजाइम्स एक्ट करते हैं ना. ग्लूकोज जो है वो सिंपल ग्लूकोज बनता है, पहले उसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होती हैं, उसको सिंपलर होता है, फिर सिंपलेस्ट लास्ट में जाके जो है वो ग्लूकोज रिलीज होता है. तो उसमें बड़े सारे हमारे स्टमक में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मिल्क कर्डल होता है, है ना. मिल्क जो हम पीते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है? पहले कर्ड बनता है, उसमें कैसे वो लैक्टिक एसिड बनता है. तो ये सब रिएक्शंस जो हैं ये होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस. सो इन अवर डे टू डे लाइफ वी सी मैनी चेंजेस विच आर नोन एज फिजिकल और वी कैन से अ केमिकल चेंज. Now one more example of this process is known as crystallization. Now what is crystallization? The salt is obtained. How it is obtained? It is obtained in the form of crystals. तो वो जो crystals होता है, it cannot be seen clearly. तो हम क्या करते हैं, ये जो salt बनता है, जो नमक बनता है, या we can say it is formed by the process of crystallization. Large crystals of pure substance can be formed from their solutions. पानी को जो है sea water को जो है वो उसमें से crystals बनते हैं, और फिर उनको जो है वो change किया जाता है, उसको purify किया जाता है. तो ये एक और process जो है ये आपकी books में जो है introduce हुआ है, जिसको हम बोलते हैं crystallization. Okay? It can be obtained. Some substance can be obtained in pure state from their solution by the process of crystallization. So crystallization is what? When what happens is when crystals are formed, and from that a new substance can be extracted. From large crystals some new substance can be formed by their solutions. जब उनको पानी में लेते हैं तो उससे नया substance बनता है, तो उसको हम बोलते हैं crystallization. So this is the chapter which we have to study in this. This was the chapter in detail which explained you about various physical and chemical changes. बहुत easy chapter है, इस
इसमें हम इजी बहुत अपने आसपास जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उसकी एग्जांपल्स लेके हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर हम फटाफट इसका एक कंक्लूजन निकालें तो हमने इस चैप्टर में क्या किया है कि चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं वो ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, नाउ द फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज, नाउ सच एज शेप, साइज, एंड इन फिजिकल changes, no new substance are formed, no new substances are formed, and these changes are reversible. Whereas in case of chemical changes, new substances are formed, the chemical new substances are formed which have new chemical properties, and mostly these changes are irreversible. Okay, so this was the chapter which this was the example in which we studied about the rusting of iron, galvanization. So this is all about this chapter. Okay, now when we go through these the questions at the back, at the exercises, we will be now we can give these answers very, these are very easy. For example, now the first question is classify the changes involved in this process, physical or chemical changes. Okay, now what is photosynthesis? Photosynthesis is a chemical change, dissolving sugar in water. What is it? It is also a what is it? It is a chemical properties, ठीक है, sugar solution, burning of coal, smoke बन जाती है ना, तो it is what? It is also a chemical change, melting of wax, लेकिन wax को हम दोबारा वो बना सकते हैं, तो it is a physical change, okay? Beating aluminium to aluminium foil, it is also a physical, no new substances being formed, so it is a physical change, digestion of food, no, it is a chemical change, okay? Now these are what? Physical and chemical changes. Now when we talk about true or false, cutting of log of wood into small pieces is a chemical change. No, it is a physical change. Okay, now formation of manure is a physical. No, it is a chemical change. Iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. Yes, it is true. Iron and rust are the same substances. No, है ना, वो iron का formula होता है Fe and rust का क्या होता है FeO. So these are various which examples. Condensation of steam is not a chemical change. No, it is a chemical change. So Yes, it is not a chemical change. It is a physical change. So these are the various easy questions which you can also do at your own. Now when we talk about the various questions, these are from the book only which we studied based on various examples. Now I hope you have understood this chapter in which we studied about various physical and chemical changes. ठीक है, तो आपने अब इसमें समझा होगा कि फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं आपके आसपास, अब आप एग्जांपल्स करोगे जिसमें आप समझोगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। आप क्या करेंगे, घर में एक चार्ट बनाएंगे और उस पर आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, उस पर एक फिजिकल चेंज का कॉलम बनाएंगे, एक केमिकल चेंज का कॉलम बनाएंगे, तो आप उसमें चार्ट पे लिखेंगे कि आपके आसपास कौन से फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं और कौन से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। Now with this I end this class. I hope you have understood, and I'll be coming in another lesson, another class, taking up new lesson. I hope you all take care of yourself, stay safe and stay happy always. Thank you and God bless you all.